यार आजकल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ यार सही बोले, काफी ज्यादा ठंड लग रहा है। अरे यार क्या हुआ? कुछ आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? आवाज कैसी आवाज? सुनो तो। हाँ यार आवाज तो आ रही है। हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब घटना हो रही है। अरे बात तो सही है यार, और फिलहाल इतना अंधेरा में अभी हमारे लिए रुकना खतरे से भी खाली नहीं है। इससे अच्छा हम लोग अभी फिलहाल घर चलते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। चलिए यार। हेलो यार अभिषेक, कहाँ पर है यार? घर में। अच्छा थोड़ा स्टेशन के पास आ सकेगा क्या? मेरा गाड़ी खराब हो गया। ठीक है भाई, 10 मिनट में। थोड़ा जल्दी ट्राई करो यार। ठीक है। क्या हो गया, इतना टेंशन में क्यों लग रहे? अरे यार अभी वहाँ पर कुछ कहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं है, चलो। शायद मेरा वहम होगा। टेंशन मतलब यार कुछ वहम होगा। क्या हुआ? बहुत डरावना सपना देखा मैंने। बहुत क्या देखा? बहुत अजीब सा चेहरा था। किसका चेहरा? पता नहीं, कोई औरत थी। यार जो हम लोग के साथ ये घटना हो रहा है, ये सब हमको नॉर्मल नहीं लग रहा है। इसके बारे में हम लोग को फाइनली कुछ सोचना ही पड़ेगा। ठीक बोल रहे यार, कुछ तो करना पड़ेगा ही। अच्छा मेरी पहचान में एक पंडित जी हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। ठीक है यार, तू जाके पता करना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्यों यार? नहीं भाई, मेरे को नहीं जाना, बहुत डर लगा है मेरे को। अच्छा तुम टेंशन मत लो, इसके बारे में हम लोग को कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिलेगा। मैं आज पंडित जी से बात करता हूँ, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। ठीक है फिलहाल घर चलो। चलिए। अच्छा यार अभिषेक, कल रात को पंडित जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने हमारे साथ जो घटना हो रही है उसका एक ही कारण बताया। याद नहीं जिस दिन से हम लोग के साथ ये घटना हो रहा है, हम लोग कहाँ पर थे बैठे हुए? पुराने खंडर में। हाँ तो वो खंडर जो है श्रापित था उन्होंने बताया। तो इनका कुछ उपाय? उपाय तो है, जो दूसरा गांव में पुराना नदी नहीं बहता है उसी में हम लोगों को एक कलश का विसर्जन करना होगा जो उन्होंने दिया है। पर यार वो नदी तो सूख चुकी है। नदी तो सूख चुका है लेकिन उन्होंने इसका भी एक समाधान बताया है। नदी जहाँ से बहना शुरू होता है हमें एकदम उसके शुरुआत में जाना होगा। वहाँ पर अभी भी नदी का कुछ अंश बाकी होगा, हमें वहीं पर उस कलश का विसर्जन करना होगा, तभी कुछ उपाय हो सकता है। तो जाना तो होगा। हाँ भाई, और ये काम भी हमें आज रात को ही करना होगा, लगभग 12 बजे के करीब में। तो हमें अभी से ही सारी तैयारी करना होगा, जल्दी से चलते हैं। चल भाई। ठीक है। यार तुम जाओ जल्दी। यार अभिषेक जाओ, मैंने कहा ना आज अगर तुमने इस काम को नहीं किया तो हमें इस आत्मा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं भाई, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ भाई? जाओ, मैंने कहा ना विसर्जन करो उसे। ठीक है भाई, तुम रुकना, मैं बस एक मिनट में आ रहा हूँ भाई।
अभिषेक उसमें आओ भाई, देखो सब ठीक हो गया भाई, देखो भाई।